हेलो एवरीवन, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ निदा आमिर। तो बस देखिए, आज एक छोटा सा ब्लॉग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें हम इनका नेशनल डे था सऊदी अरबिया का, वहाँ जा रहे हैं। आप लोग के साथ साथ चलें। बस के अलावा देखिए, मौसम आज अच्छा था और रश भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, और यहाँ पे बस आइसक्रीम वगैरह खाई बच्चों के साथ हमने, और मैंने और आमिर ने शेयर किए। जाहिर है अब पूरी पूरी आइसक्रीम खाने की तो हमारी एज नहीं रही, तो बेहतर है कि बस हस्बैंड और वाइफ मिलके ही खाएं। बस थोड़ी सी बाहर आ लो, यहाँ पे बहुत अच्छा म्यूज़ियम है, और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करी थी मक्का से मदीना के लिए, जो जो उनको रास्ते मुश्किलात पेश आई थी, वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं अच्छी अच्छी वीडियोस की सूरत में भी, और चीज़ें भी बहुत अच्छी अच्छी थी। सोचा मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है आपके लिए, बहुत ज़्यादा नहीं बनाई, थोड़ी सी बनाई है ताकि अंदाज़ा हो सके आपको कि म्यूज़ियम कैसा है यहाँ पर, तो साथ साथ आप लोग भी इंजॉय करें। يظل يجيء إلى ربوة قرار واسم وذا مرتبى فلا له يغنيه عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوى إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطى تراه رجوتك عفوا ولا لي سوى ودمع يسيل على مصحف به يصل الله صوف من أتى فتلك سجايا لقلب سليم إلى الله دوما تدور رحى فيا سعد من كان ذا همة إلى جنة في أعالي السماء إلى جنة في أعالي
और माशाल्लाह हमने बहुत इंजॉय किया, काफ़ी टाइम लगा, बच्चों ने हर चीज़ बहुत अच्छी तरह देखी है। उनके बहुत सी चीज़ें रीज और शहीर के कोर्स में थी जो कि उनको यहाँ ज़ाहिर है प्रैक्टिकल वो चीज़ देखी, तो उनको बहुत ज़्यादा माशाल्लाह उन्होंने इंजॉय किया है, मज़ा आया उनको, बहुत सी मालूमात उनको मिली है। और यहाँ इनका नेशनल डे था तो आज बिल्कुल टिकट फ्री था, तो बस काफ़ी रश था, मज़ा भी बहुत आया। और इसके अलावा बस मैंने सोचा कुछ बातें आपसे आज फिर करूँ अपने वेट के बारे में, कि अगर आप लोग भी अपना वेट कंट्रोल करना चाहते हैं ज़ाहिर और चाहते हैं कि जो सारे आपके पिछले कपड़े आपको अच्छी तरह फिट हो जाएं, तो बस आपको बहुत ही कम काम करने हैं। वैसे तो आजकल नेकी का ज़माना नहीं है, यानी कि अगर मैं आपको सही से सब बात बताऊं तो बहुत से लोग यकीन नहीं करते और उन्हीं वीडियोस पे यकीन करते हैं जो आजकल चल रही हैं, कि ज़ीरे का पानी पी लो, सौंफ का पानी पी लो, खीरे का पानी पी लो, और इसके अलावा मतलब इस तरह की चीज़ें हम लोग सुनते रहते हैं, फिर उस पर अमल करते हैं, फिर हमें फ़ायदा नहीं होता। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सही में आपको फ़ायदा हो, जो ट्रेन आपको बिल्कुल जैसे लाहौर और कराची का सफ़र होता है, ट्रेन में हम बैठ जाते हैं सही ट्रेन में और फिर बिलाखिर अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, तो वेट मुझे लगता है कि वो भी बिल्कुल इसी तरह स्टोरी है कि अगर आप सही ट्रेन में बैठ जाएंगे तो आहिस्ता 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 आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे, अपने वेट जो आपने अचीव करना है उस तक पहुंच जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि सही ट्रेन में बैठें। पूरी ज़िंदगी हम लोग गलत चीज़ें फॉलो करते रहते हैं जिसकी वजह से हमारा वेट कम नहीं होता बल्कि स्ट्रेस हमें आ जाता है और बहुत टेंशन सी हो जाती है और हमारी हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। तो बस कुछ टिप्स हैं, मैं सोचा आपसे शेयर करूँ कि एक तो बस आपने ये करना है कि कहीं बाहर जाएं कुछ भी, लेकिन घर का खाना खाएंगे तो आपका वेट बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगा। और मैंने काफ़ी 10 साल तकरीबन ये डाइटिंग और ये सब चीज़ें करके देख ली, कोई कम नहीं होता बल्कि हेल्थ ख़राब हो जाती है, कमर में पेन और बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप घर का खाना स्टार्ट करते हैं, जैसे कहीं जाएं वो तो अलग बात है, लेकिन रूटीन की बात कर रही हूँ कि अगर घर का खाना खाएंगे आप, तो आप देखेंगे कि आहिस्ता 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 आपका वेट बिल्कुल जिस तरह पहले था, मतलब बहुत तेज़ी से आपका कम होगा वेट। और बस वो खाना खाना शुरू कर दें जो हम बचपन में खाते थे, बस उसमें हमने कभी आपने देखे नोट करेंगे कोई डाइटिंग वगैरह नहीं करते थे, हर चीज़ खाएं लेकिन कंट्रोल में खाएंगे तो देखेंगे आप, कोई आपको चाय में चीनी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, 1 टीस्पून आराम से आप पिए रिलैक्स होके, 3 टीस्पून आप पूरे दिन में आराम से यूज़ कर सकते हैं। हमने चीनी भी छोड़ के देख ली, 10 साल क्या क्या कर लिया लेकिन कोई वेट कम नहीं हुआ। लेकिन अगर प्रॉपर आप हेल्दी वे में कम करना चाहते हैं कि आपकी स्किन भी ख़राब ना हो, तो बहुत ही कोई आपको खीरे लीमू इनका पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई ज़ीरे का पानी, बस आप ये करें कि ब्रेड खाना छोड़ दें सुबह नाश्ते में, उसकी जगह आप पराठा खाएं। अब जैसे बहुत कम तेल में, 1 टेबल स्पून तेल में आराम से अपने लिए अच्छा सा पराठा पकाएं, सालन से, कबाब से, अंडे से अच्छा सा खाएं। उसके बाद इंटरमीडिएट फास्टिंग तो ज़ाहिर हो ही जाती है, जब हम 7-8 बजे खाना खा लेते हैं तो फिर नेक्स्ट डे जब मैं 12-1 बजे खाना खाती हूँ तो फिर खुद ब खुद आप देखेंगे वेट कम होगा आपका, बहुत बॉडी शेप में आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। और मैंने आपको बहुत सी वीडियो शेयर की हैं जब मैंने कंट्रोल शुरू करा भूख पे किस तरह करूँ, तो वो मैंने जो काले चने होते हैं वो और मूँग की दाल वो उससे किया था, जो कि आपको काफ़ी वीडियोस में रेसिपी मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज भी शेयर करती रहूँगी। तो बस देखें, जैसे मैं वहाँ से हम लोग आए तो मैंने देखें पुलाव बनाया है, और यामिर की फरमाइश पे आज बहुत मज़ेदार सा मैंने पुलाव बनाया था, यखनी बना के गई थी मैं। तो बस आपने देखें ये करना है, जब भी आप घर पर बनाएँ कि पानी उबालें, उसका चूल्हा ऑफ कर दें। और मैंने आपसे पहले ही बहुत ज़्यादा शेयर किया लेकिन मैं फिर शेयर कर रही हूँ, बहुत से लोग नए भी देख रहे होते हैं, कि देखें इस तरह हार्मोन्स जो इस चीज़ों में ऐड हैं, बीफ में, मटन में, चिकन में, सब रिमूव हो जाते हैं। बहुत अच्छा सा हेल्दी सा आपको चिकन मिल जाता है या बीफ मटन, तो ज़रूर ये वाला स्टेप करें। देखें कितना ख़राब पानी है, कितना स्मेल वाला ख़राब पानी, बहुत जब आप ये आदत कर लेंगे इस तरह करने की तो आपका जो खाना है बहुत ही लाइट सा बनता है। ज़रूर इसको फॉलो करना है आपने, इसको पकाना नहीं है, चूल्हा ऑफ कर दें बस, और बस 1 मिनट इसको डिप करें और फिर देखें उसको रिमूव करके अच्छा सा गोश्त निकाल लें उसके अंदर से, मीट जो भी है, और फिर जो भी रेसिपी बनाना चाहें, जैसे मैं आज पुलाव बना रही थी, सिंपल सी रेसिपीज़ आई, सबको आती है, बस मैं आपको दिखा रही थी। देखें कि यहाँ पे ऑफ़र आई हुई है आजकल नेशनल डे पे, केक के साथ एक चीज़ है पिज़्ज़ा और पता नहीं क्या क्या फ्री मिल रहा है। लेकिन अगर आपने अपना वेट सही रखना है, अपना कोलेस्ट्रॉल सही रखना है, तो आप वो वाली आपने ऑफ़र्स उसको यूज़ नहीं करना। देखें 1 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून के दरमियान ये अच्छा सा पुलाव मैंने रेडी कर लिया है, जो कि आराम से प्याज डाल करें 1 टेबल स्पून में और फिर दम लगाते वक्त 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर दें, तो बहुत मज़ेदार सा बन जाता है। सबसे
सबसे बड़ी बात के बाहर के खाने में पाम ऑयल यूज़ होता है, पाकिस्तान हो या बाहर हर जगह ज़ाहिर है अच्छा तेल यूज़ नहीं होता, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। जितनी मर्ज़ी आप दवाइयाँ मेडिसिन खाते रहें, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल भी नीचे नहीं आता। तो ज़रूर आप घर का खाना खाना स्टार्ट करें, वरना सोचें आपके 1 से 2 टेबल स्पून के दरमियान कौन आपको बाहर बिरयानी और पुलाव हर चीज़ देगा, कोई भी नहीं देगा। ये सिर्फ आप ख़ुद बना सकते हैं, अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना है हमने। बस बहरहाल ये बस हम लोग माशाल्लाह इंजॉय कर रहे थे, और मेरे हस्बैंड जो है वो पुलाव के साथ अगर अच्छा बन जाए तो बस वो खाली खाते हैं, कोई रायता वगैरह नहीं खाते। तो बस मैंने नहीं बनाया था, बस मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी चटनी दही के मैं ऐड करके अपने लिए थोड़ा सा बना लेती हूँ प्लेट के अंदर ही। चटनी का इस्तेमाल ज़रूर करें, पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चें, ज़ीरा, सब चीज़ें ऐड करके इसको ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करें, खाना बहुत जल्दी हज़म हो जाता है इससे। तो बस छोटी सी ये मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है, उसके बाद देखें किचन में जो बम हमारा भर चुका है बर्तनों का, वो हर तरफ बर्तन ही बर्तन है। और देखें ये होता है बाहर के, हर काम खुद करना पड़ता है, जितना मर्ज़ी घूम ले फिर ले इंसान, आखिर में हमें खुद ही हर चीज़ सफाई करनी पड़ती है। तकरीबन 2 घंटे मेरे लगे इसमें, और फिर माशाल्लाह सब बर्तन वगैरह धो लिए। तो बस के बाद मैंने चाय वगैरह बनाई थी, और छोटा सा व्लॉग था, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और सबका देखने का बहुत शुक्रिया सबको मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़।